है गाइस, अपना आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, बेसिकली इसमें एक नॉर्मल सा दिन है उसके ऊपर बताया जाता है। ठीक है, क्या बता रहे देखते हैं। एक दिन खाना देते समय मुन्नी ने पूछा, भैया तुम भाभी से जरा भी नहीं बोले। माने मुन्नी और उसके भाई के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक दिन खाना परोस रही थी बहन भाई को, तो वो पूछी क्या आपने भाभी से एकदम भी नहीं बोला, क्योंकि एक शॉकिंग सी बात है। एक लड़की, उसका भी शादी हो चुका था मुन्नी, तो वो समझ पा रही थी कि ये कितना घटिया बात है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए वो अपने भाई से चीज पूछी, क्या एक थोबी बात आपने नहीं की, कुछ भी बात आपने नहीं की। मैंने आशय जानने के लिए उसका चेहरा देखा। आशय माने मीनिंग कि वो बोलना क्या चाहती है, इसीलिए उसका चेहरा देखा और थाली अपनी ओर खींचते हुए संक्षिप्त सा उत्तर दिया, एकदम शॉर्ट में आंसर किया, नहीं। क्या बोला? सिर्फ नहीं वर्ड बोला। स्वर में जरा भी उत्सुकता नहीं थी, माने अपने आवाज में, स्वर इज वर्ड, आवाज में थोड़ा सा भी उत्सुकता, एक्साइटमेंट या और कुछ बोलने का नहीं था उसकी आवाज में, कुछ भी और उसको बोलना नहीं था, एक्साइटमेंट नहीं थी, नथिंग। हाँ, कुतूहल जरूर हुआ। कुतूहल माने जानने की इच्छा। वॉट इज कुतूहल? कुतूहल या कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा। हाँ, कुतूहल जरूर हुआ कि मुन्नी को यह बात सूझी क्यों। माने कि लड़की मुन्नी अभी तक तो इतना कुछ नहीं बोली, बट आज क्यों ऐसे पूछ रही है कि अब भाभी से कुछ भी नहीं बोले। दूसरी शादी करोगे? वह चूल्हे के सामने बैठी कोयले के से यूं ही जमीन पर निरर्थक कुछ काटती रही। मतलब पहले के जमाने में ऐसे गैस वैस नहीं था, तो कोयला से जो स्टोव वोव जलाते हैं या कोयला वोयला से जो पकाते वो रखा हुआ था, तो वो निरर्थक जो वर्ड है, दैट इज मतलब बिना कुछ सोचे, मीनिंगलेस, ऐसे ही बैठी है, कुछ भी सोच नहीं रही है और कोई डंडी सा लेकर बैठी आएगी, समथिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही कुछ ना कुछ अपना स्प्रेड कर रही है। और उसने एक बात पूछी, क्या दूसरी शादी करोगे? अब उसके मन में बात कहाँ से आई, क्यों आई, किसी को नहीं पता अभी तक। तो भाई ने बहन से क्या पूछा, दूसरी शादी करोगे? ठीक है, हाँ हाँ, एक शादी करा के तो उसे गला रही हो, दूसरी किसके नाम को रोएगी। मतलब मेरा जो एक शादी हो गया है, जो एक शादी हुआ उसी के नाम पे रो रहे हैं, और क्या 100-200 शादी करानी है क्या तुम लोगों को मेरी। अचानक मेरे मुंह से निकला, उसके मुंह से ये निकल गया, माने वो इंटरेस्टेड नहीं है दूसरी शादी और किसी भी चीजों में, वो अपने एक ही शादी में खुशी बोलो या दुखी बोलो वैसे ही वो ठीक है। तभी सहसा पहली बार क्षण के एक अविभाज्य खंड में यह बात मेरे सामने बिजली सी कौंध उठी कि हम सब घर वालों के व्यवहार से प्रभा जाने कितनी दुखी हुई होगी। फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो अपने बहुत बार देखे हैं, बट डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन आया है कि समर प्रभा के बारे में सोच रहे। अविभाज्य का मतलब होता है पूरी बात में या इनसेपरेबल, जुदा नहीं कर सकते बात को। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बार सहसा माने अचानक मेरे मन में एक बात आया, माने सारा जो बात हुआ उस वही बातों के अंदर से एक बात आया, बिजली सी कौन रुकी, माने अचानक से बात आया और एक झिलमिला गया उसके अंदर का शरीर। और क्या बात आया कि घर वालों के व्यवहार से प्रभा जाने कितनी दुखी हुई होगी। अभी भी वो अपना बात नहीं कर रहे, लड़का तो लड़का है, isn't it? अपना नहीं बोल रहे कि मेरे व्यवहार के कारण लड़की कितनी दुखी होगी, वो सिर्फ क्या सोच रहे हैं, मेरे घर वालों के कारण वो कितनी दुखी होगी। इन शॉर्ट सोच सकते हो, अपने आप को भी मे भी इंक्लूड कर लिया है, बट डायरेक्टली नहीं, क्योंकि उसके घर वाले इतना कोई खराब व्यवहार नहीं किए थे एक्सेप्ट वन, बोलो तो कौन सा गलत व्यवहार था जो उसको चुभा होगा लड़की को, जो थाली फेंक कर। वेरी गुड, सास लोग भी जो इतना बोल रही थी, isn't it? सास भी चिल्लाने लगे थे एवरीथिंग कि खाना बनाना नहीं आता ये सब, तो इससे उसकी बीवी प्रभा को कितना बुरा लगा होगा। उसकी ओर से कभी भी किसी ने सोचा ही नहीं, सोचो आज सारी मोहब्बत प्यार निकल रहे कि लड़की की तरफ होकर किसी ने सोचा ही नहीं। मैम, हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि समर को प्रभा ने मुन्नी की कितनी चिंता थी, क्योंकि वो उसकी बहन थी,
वैसा ही कुछ प्रभा के साथ हो रहा है, बट उसको उसके फिकर नहीं है. एग्जैक्टली मैं ये सेकंड, मैंने लास्ट चैप्टर में बोलने वाली थी यही चीज, मैं भी मिस कर गई कि अपनी बहन पर जब कोई प्रॉब्लम आता है तो मन करता है लड़के को मारू पीटू, जैसे उसके अंदर एक्सप्रेशन आया था ठीक है लास्ट स्टोरी में. बट जब वो खुद ही वैसा व्यवहार किसी और की लड़की के साथ कर रहा है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो माने उसके अंदर ये बात हो या नहीं हो. वो नहीं करना चाहता होगा प्रभा के साथ गंदा व्यवहार, बट फिर भी किया ना, उसे बात नहीं किया, थाली पटक दी, जो भी बोलो किया ना, तो ऑब्वियसली खुद पे बात आती है तो कुछ भी नहीं है, बट अपनी बहन पर बात आती है तो सारा पिंच लड़कों को हो जाता है. ये भी पुराने जमाने में एक किस्सा ऐसा भी होता था, अपनी बहन के लिए सब कुछ अच्छा है, बट जो दूसरे की लड़की हमारे घर आई है, माने हमारी वाइफ बोलो कोई बोलो, उसके लिए कोई फीलिंग कोई केयर नहीं होता था. अच्छा पॉइंट उठाया, लास्ट टाइम मैं ये मिस कर दी, ये भी एक पॉइंट है. नेक्स्ट, अब देखो उसकी ओर से कभी भी किसी ने सोचा ही नहीं, अब तो इस तरह सब उसे भूल गए हैं जैसे वह मर गई है. माने इसको पिंच हो रहा है यार कि मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, जैसे वो मर गई है. माने कोई उसका नाम भी नहीं लेते आजकल, तो ऐसा हालत हो गया है. अचानक दिमाग में आया वही, अत्यंत दुखी होकर उसने यहां यह तो नहीं लिख दिया कि अगर मैं उसे खुश नहीं हूं तो दूसरी शादी कर लूं. पढ़ी और सुनी इस तरह की कई लड़कियों की बातें दिमाग में आई. मन हुआ पूछूं प्रभा ने कुछ लिखा है क्या. निकला हुआ कौर ना जाने किस शक्ति से उलटकर ऊपर आने लगा. मुझे खाना बेस्वाद लगने लगा, भूख मर गई. माने जब अपने खाते खाते अपने मन में कोई टेंशन आता है, सपोज तुम लोग खाना खा रहे हो, लगेगा हाय परसों बोर्ड्स है, एक अजीब सा टेरर आएगा, तो खाना नहीं. कौर माने जो अपने निवाला ले रहे हैं एक पीस, वो भी अंदर नहीं जाएगा, जो भी अंदर है वो भी ऊपर आ जाएगा. कौर इज जो एक बाइट हम लोग मुंह में लेते हैं. सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो केयर कर रहे हैं अपनी बीवी का, उसको याद आ रहा है. सेकेंड थिंग उसको इस चीज का डर लग रहा है क्या कि कहीं पत्र तो नहीं आया लड़की का, क्योंकि बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा ही करती है क्या, कि अगर अच्छा नहीं है क्या बोलता तो दूसरी शादी कर लो. माने अगर वो खुश नहीं है लड़का या समथिंग, तो वो लोग दूसरी शादी भी कर सकते हैं, एटलीस्ट बोलो तो सारी बातें डायरेक्टली. कहीं ऐसा कोई पत्र तो नहीं आ गया घर पे, तो ये बात किसके मन में आई, समर के मन में आई. मन हुआ पूछू प्रभा ने कुछ लिखा है क्या, माने उसका मन भी हुआ घर वालों से पूछू. और निकला हुआ कौर माने जो अंदर बाइट गया वो वापस लग रहा है मुंह में आ जाए. क्यों आता है मुंह में, टेररराइज हो जाता है अंदर से, एकदम अजीब सा लगने लगता है. मुझे खाना बेस्वाद लगने लगा, खाना कैसे लगने लगा, एकदम ही टेस्टी नहीं लगता है, भूख मर गई. और अचानक से जो वो खाना खा रहा था और उसकी भूख भी मर गई. उठते हुए ज्वार के एक एक घूंट पानी पानी से दबाकर पूछा, तुझे कौन कह रहा था अम्मा. मतलब यहाँ पे जो भी डिस्कशन ये सब हो रहा था या जो भी चीजें हो रही थी, तो इसको क्या दिख रहा है, पिंच हो रहा है और एक डर आ रहा है इसके मन में. क्या डर आ रहा है, कि कहीं लड़की दूसरी शादी की बात ना कर ले. और ये बात भी क्यों आया, क्योंकि पढ़ी लड़की लड़कियां डिपेंडेंट इतनी नहीं होती है, तो वो लोग अपने मन मौजी होती है, वो लोग कुछ भी स्टेप उठा सकती है. और उसके मन में क्वेश्चन आया, भैया पूछू किससे, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कोई संबंध नहीं रखा है प्रभा से. और अगर प्रभा का पत्र आए भी तो कोई इसको बोलेगा भी नहीं. क्यों, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड है. अगर घर वालों को पता है इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे इसको देने के लिए. इसीलिए इसको टेंशन हो रहा है, यार कोई तो बात हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, अचानक बहन ने भी बात उठाई, अचानक अलग अलग बात उठाई है, तो चलो पूछते हैं घर पे, उसको ऐसा लगा. नहीं यो ही पूछा मैंने, तो मुन्नी टाल गई. माने वो उससे पूछा कि भैया कोई बात बात हुआ है क्या, कोई कुछ कह रहा था क्या, तो मुन्नी क्या बोली, नो नो ऐसे ही मैंने तो बोला, और वो बात को पलट दी, टाल गई. फिर जाने क्या मेरे चेहरे की ओर देखकर बोली, रात को खाना वाना खाकर जब भाभी अम्मा के पैर दबाती रहती है ना, तभी अक्सर इस तरह की बातें होती है. माने लड़की ने सुना था क्या, जब भाभी रात को, ऐसा एक रिचुअल भी होता है, औरत जो होती है पति के पैर दबाती है रात को, सास के पैर दबाती है, ऐसा होता था. तो यहाँ पे भी सेम बोल रहा है कि जब रात होती है तो जब सास के पैर दबाने के लिए भाभी जाती है, तो दोनों में यही कॉन्वर्सेशन होता है, दूसरी शादी या खुश है कि नहीं, कुछ भी नहीं बोला, ये सारे कॉन्वर्सेशन होता है. तो लड़की ने रिवील कर दिया, कौन लड़की, मुन्नी ने.
ये हो गया नेक्स्ट। रात को खाना वाना खाकर जब भाभी अम्मा के पैर दबाती रहती है ना, तभी अक्सर इस तरह की बातें होती रहती है। वह अपनी कलाई ऊंची करके हाथ की चूड़ियां उठाती गिराती रही। नॉर्मल लड़की लोग का जैसे हैबिट होता है, चूड़ी पहनी होगी तो उठा रही है गिरा रही है, लाइक दैट, ऐसा कुछ कर रही थी। नेक्स्ट, मुन्नी मैं सच कहता हूं मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। एकदम इरिटेट हो गया और क्या बोलते हैं कि भैया मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, मैंने उसको एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या है, भले ढंग से पढ़ना चाहता हूँ सो पढ़ाया तो जाता नहीं, माने आई वॉन्ट टू स्टडी, मुझे और फर्दर स्टडी करनी है, मुझे पढ़ना है, बट घर वालों से पढ़ाया तो जाता नहीं है। क्यों बोला पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इसकी फीस ढंग से नहीं देते लोग, इसीलिए बोला कि पढ़ाया तो जाता नहीं है। अब चार चार शादियां करके रख दो, मैंने रुआसे स्वर में कहा, माने भाभी और सास की कन्वर्सेशन होती है ना, दूसरी शादी ब्ला ब्ला थिंग, इसीलिए इसको लग रहा है कि भाई एक शादी तो हो गई, ऊपर से अब दूसरी शादी की बात करिए, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करने दे रहा है, और उसका मन रुआसा रोने जैसा थोड़ा हो गया, एकदम इरिटेट हो गया था। मैंने रुआसे स्वर में बोला, मैंने एकदम रोने जैसा स्वर। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा भैया एक बात बताएं। स्वर में लगा जैसे कोई रहस्य खोलना चाहती है, माने लड़की बोली मुन्नी कि एक बात बताए, ऐसे करके बोल रही है और ऐसा लग रहा है कोई सीक्रेट खोलना चाह रही। मेरे चेहरे पर सवाल उभर आया, माने चेहरे पर क्वेश्चन आया। तभी सहसा द्वार पर भाभी खड़ी दिखाई दी, सहसा माने अचानक कौन दिखाई दी, भाभी आ गई, द्वार माने दरवाजा। पूरा खाना बनाने की जल्दी में सिर्फ नहाकर चली आई, माने ये भी एक चीज बता रहे कि हाउसवाइफ लोग पे इतना काम का प्रेशर होता है कि ढंग से वो फ्रेश भी नहीं हो पाई, ढंग से नहा भी नहीं पाई, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में ऐसे ही आ गई थी, सिर्फ नहा कर चली है। क्यों, नहाने के बाद इन लोगों को क्या करना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, ठीक है, पहले का जमाना, कपड़े धोना पड़ता है, तो इसीलिए बोला गया है कि खाने बनाने के चक्कर में क्या किए, नहा कर चली है। ढेर के ढेर निचूड़े कपड़े कंधों पर पड़े थे, माने ऐसे गीले गीले कपड़े अपने कंधों पर लेकर आ गई थी, मे बी हाफ धोली और समथिंग। देखते ही बोली, ओ आज तो मुन्नी बीबी खाना दे रही है। मुन्नी किसको खाना दे रही थी, अपने भाई को, इसीलिए ऐसा टॉन्ट किया गया कि ओ हो आज तो मुन्नी खाना दे रही है, क्योंकि अगर भाभी घर पे है तो ननंद काम नहीं करती थी, ऐसा ही था। मैं इसलिए भागी आई कि लाला जी तो चुपचाप बैठे होंगे कि कोई खाना दे दे तो खा ले। वो क्यों आ गई जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अपने देवर का टेंशन हम लोग देखे हैं स्टार्टिंग से है, चाहे वो लड़की से प्यार करे कि नहीं करे देवरानी से, बट उसको अपने देवर से जरूर प्यार है, ये अपने देखे हैं बहुत बार। तो यहाँ पे बोल रही है कि मैं तो इसीलिए जल्दी चली आई क्योंकि देवर जी जो लाला जी है वो तो चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी को खाना देने के लिए भी नहीं बोलेंगे, फिर उठकर चले जाएंगे बिना खाए पिए। हमारे लाला जी को तो जाने क्या हो गया है। वह धीरे से मेरे सामने वाली दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई, पीठ टिकाकर माने वॉल होगा पीछे में, तो ऐसे पीठ रख दी, ऐसे करके बैठ गई। मैम, हाँ बोलो। एक बहुत ही वियर्ड एनालिसिस आ रहा है, मेरे को ऑब्जर्वेशन आ रहा है। बोलो बोलो। मैम, हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुन्नी एक्चुअली उसका भाभी का पोल खोलने वाली थी कि यू नो भाभी ने उसमें नमक ज्यादा डाल दिया इसीलिए भाभी ज्यादा जल्दी आ गई, एंड नहीं नहीं ऐसा नहीं है, टिपिकल सीरियल सीन खोलने वाला चीज होगा या पता तो चलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट ऐसा नहीं है, उसको कहां से पता चलेगा कि मुन्नी पोल खोल देगी और समवॉट व्हाटएवर। सेकंड थिंग, अगर मुन्नी को पोल खोलना है तो वो तो कभी भी खोल सकती है, एक मोमेंट का थोड़ी ना इंतजार करेगी, भाभी थोड़ी ना हर वक्त चिपकी रहेगी, है ना चेतना, समझ रहे, ऐसा थोड़ी ना हर वक्त चिपकी रहेगी टाइप, तो ये चीज है। और किसी को कुछ बोलना है, तुषार भी बोल रहा था ना कुछ, नहीं बोल रहे थे, टिपिकल सीरियल सीन वाला सीन है। अरे यही है एक्चुअली, ये पूरा गांव सीरियल माने सब कुछ मिक्स है। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया, नेक्स्ट करते चलो। मैं इसलिए भागी आई कि लाला जी तो चुपचाप बैठे होंगे कि कोई खाना दे दे तो खा ले, फिर उठकर चले जाएंगे बिना खाए पिए। हमारे लाला जी को तो जाने क्या हो गया है। वह धीरे से मेरे सामने वाले दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई, थकान से हाफ रही थी, माने शी वॉज वेरी टायर्ड, चाहे जो भी बोलो काम तो करती थी बेचारी, इजंट इट, सारा काम यही करती थी, पेट से थी माने एक सरप्राइज निकल गया कि शी वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है, तो याद रखना जो बड़ी भाभी है वो प्रेग्नेंट है।
कंधे से सारे कपड़े उतारकर मुन्नी की ओर बढ़ाकर खुशामद के स्वर में बोली, जस्ट इमेजिन प्रेगनेंसी के हालत में भी कितना काम करना पड़ता है, जस्ट इमेजिन कपड़े धोना, खाना बनाना, हर एक चीज इसको करना पड़ रहा है। तो क्या बोली, अपने कंधे से कपड़े उतारी और मुन्नी की तरफ खुशामद माने क्या होते हैं, फ्लैटर करिए, खुश करने का कोशिश करिए। क्या बोली, मुन्नी बीबी कैसी अच्छी हो, जरा इन्हें सुखा दो, माने प्यार की वर्ड से बोलना चाह रही कि भैया इसको सुखा दो, तुम ऐसे खुशामद कर रही। अच्छा जी, तुम्हें हम ही मिले हैं काम कराने को, अपने आप क्यों नहीं सुखा आती, मुन्नी ने नखरे से कहा। ननंद सिस्टर इन लॉ का ये सब रहता है, इसीलिए वो भी नखरे करके बोली, अरे तुम ही सुखाकर आ जाओ, मुझसे ही सारे काम क्यों करा रहे। तुम्हारी कसम बीबी जी, सारे हाथ टूट गए धोते धोते, बेचारी माने इतना कपड़ा धोई तो बोलती इतनी टायर्ड हो गई कि हाथ ही टूट गए, माने हाथ टूटे नहीं थक गए। तुम्हारे पैरों पड़ू, जरा चली आओ, माने ड्रामा करिए, एक्चुअल में सब ड्रामा का लाइन है, जरा चली आओ जाओ, भाभी ने अत्यंत थके हुए स्वर में कहा और कुछ विचित्र सी दृष्टि से मुन्नी को देखा, विचित्र माने अलग अनोखी दृष्टि, फिर खुद ही हंसकर झेप गई, झेप माने खुद पर लज्जित हो गई, होता है ना अपने ऐसे नखरे कर करके बोलते हैं, किसी को फ्लैटर कर रहे हैं, भी नो हम लोग सामने वाले को फ्लैटर कर रहे हैं, तो खुद के करतूतों पर हम लोग को शर्म आ जाती है, थोड़ा सा हंस देते हैं, लज्जित हो जाते हैं, वही चीज है ये बहुत झेप कर। मुन्नी भी हंस पड़ी और कपड़े लेकर चली गई, माने मुन्नी अच्छी है, चलो ठीक है, चाहे ना करे या जो भी करे, लास्ट में कपड़े लेकर चली गई। मैं छोटे छोटे टुकड़े खाता रहा, वाई छोटे छोटे, क्योंकि उसका मन नहीं करा था खाना खाने का, इसीलिए छोटे छोटे, खाने की कतई इच्छा नहीं हो रही थी, इसका मन नहीं था, क्यों मन नहीं था, क्योंकि इसको अपनी प्रेमिका की याद आ रही थी, इन शॉर्ट यह सोच रहा था कि क्या सोच रही होगी। भाभी थोड़ी देर माथे पर हाथ रखे अपलक को सोचती रही, माने सर पर हाथ रखिए और अपलक माने बिना पलके झपकाए, ऐसे ही घूर रही थी किसी चीज, जैसे मुझे खाते देखकर कोई बात उनके दिमाग में आ रही हो, माने खा रहा है और भाभी उसको निहार रही है, जैसे उनके मन में कोई बात था देवर जी के लिए। फिर अपने आप से बोली, माने खुद से बोली, इस बार तो दिवाली से पहले ही काफी जाड़ा पड़ने लगा है, बेसिकली दिवाली के टाइम में ठंड थोड़ी पड़ जाती है, तो जाड़ा माने ठंड होता है, तो इस बार तो दिवाली के पहले ही ठंडी आ गई, भाभी बोल रही है। दिवाली के कितने दिन और है लाला जी, पूछ रही है देवर से, कितना दिन बाकी है दिवाली आने में। होंगे 10-15 दिन, मैंने लापरवाही से उत्तर दिया, माने सोच के नहीं ऐसे ही रैंडम आंसर किया। उंगलियों की पौरों पर हिसाब लगाकर वे बोली, इस दिवाली को ठीक 6 महीने हो जाएंगे तुम्हारी शादी को। पौरों इस वर्ड हाथ की ऐसे ऐसे करके जैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके बोलती है ठीक 6 महीने हो जाएंगे तुम्हारी शादी। सोचो 5th चैप्टर में आए हैं, 1st से 5th को कितना महीना बीत गया, 6 मंथ चला गया शादी। फिर क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, अरे 6 महीने बीत गए, एक एक दिन चाहे जितना घुटन में काटा हो, लेकिन अब लगा यह समय कितना जल्दी गुजर गया। घुटन में क्यों, क्योंकि नॉर्मल नहीं चल रहा था इनका रिलेशनशिप, लड़का लड़की का, और फिर भी इसको क्या फील हो रहा है कि लगता है जल्दी जल्दी बीत गया सारा टाइम। पता नहीं इस बीच में प्रभा का क्या हुआ, अपनी बीवी को याद किया जा रहा है कि पता नहीं लड़की का क्या हुआ होगा। घर में एकाध पत्र तो आया ही होगा, खुद से गेस करे, शायद लेटर्स आए होंगे, सोचा बाद में मुन्नी से पूछूंगा, लेकिन मुन्नी मुझसे कहना क्या चाहती थी, माने ये सोचा और किसी से तो नहीं, भाई बहन का रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होता है ना, तो सोचा कि मुन्नी से पूछ लूंगा, ठीक है, बट फिर वो ये भी सोचे मुन्नी मुझसे क्या कहना चाहती होगी, आज ये सब लोग मेरी शादी की बातें क्यों कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि लड़की छोड़ दी क्या मेरे को, जो सारे घर वाले मेरे पीछे पड़े मेरी शादी करवाने के, आज ये सब लोग मेरी शादी की बातें क्यों कर रहे हैं। इधर मेरे स्वभाव में अब विचित्र बात आ गई कि उत्सुकता और उल्लास एकदम मर ही गया है, माने उसका जो नेचर था या सभी का नेचर होता है एक्साइटमेंट से भरा हुआ, हैप्पीनेस से भरा हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, सब डेड, उसके जीवन से सारी चीजें चली गई, कुछ भी नहीं बचा। जानने की उत्कंठा एकाध बार मन में उठी और मर गई, माने उसको जानना था बीवी का क्या हाल, वो क्या बोलना चाह रही थी या बहन क्या बोलना चाह रही थी, बट वो विष आया और डूब गया, नहीं बोला। होता ना किसी को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है तो डर डर के मतलब एक्सप्रेस करने जा रहे हो, फिर अंदर चला जा रहा है। हाँ तुषार, हुआ है ऐसा? yes, तुम सुन नहीं रहे, तुम सो रहे लग रहे। मैं सुन रहा।
मैम हम 10 मिनट के लिए मैम लॉग आउट करें मैम, एक्चुअली कल स्कूल जाना है ना, तो मैम को एक पीडीएफ भेजना था मैम, तो क्लास टीचर को मतलब भेजना था, तुम भूल गए मैम, उनको भेज के माते हैं मैम. हाँ नो प्रॉब्लम, सॉरी मैम, मेरे को अभी आ गया मैम, सॉरी. नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है. अब आगे क्या पूछ रहे थे आप? हम तो ऐसे मस्ती कर रहे थे, अब एक बार मस्ती होते उसके बाद थोड़ी सुने हम लगेगा मेरे को, ठीक है. आगे आगे कर, चलो नेक्स्ट. और मर गई, सोच लिया शायद घर में ही कोई बात हुई होगी, माने वो सोचा कि बार बार लोग उसकी शादी की बात कर रहे हैं, तो लगता है कुछ ना कुछ घर पे बात जरूर हुई है, तभी तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं. तुम्हारा ब्याह भी क्या हुआ लाला जी? कौन बोल रही है? भाभी. बड़े निराश और अपनेपन के स्वर में गहरी सांस लेकर भाभी अन्य मनसक स्वर में बोली, क्या क्या अरमान थे सब पर पानी फिर गया. लेन देन की तो खैर कोई बात नहीं, एक आध साल में आई गई बात हो जाती है, लेकिन वो महारानी जी तो जिंदगी भर को बंद गई, उन लोगों ने शायद भेजने को लिखा है. माने अन्य मनसक माने ऐसे ही मन कहीं और है, ऐसे ही रैंडमली बात कर रही है. क्या बोली भाभी कि यार क्या क्या अरमान थे, होता है ना देवर की शादी होगी इतना अरमान है एवरीथिंग, तो इतना ड्रीम था सब में पानी फिर गया. फिर बोलती है चलो रिश्वत की तो कोई बात नहीं है, रिश्वत नहीं दहेज, बार बार मैं रिश्वत बोलती हूँ, दहेज, दहेज की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दहेज अभी आया एक डेढ़ साल में खत्म हो जाता है, isn't it? But जो तुम्हारी लड़की माने जो पत्नी है वो तुम्हारे सिर पे जो मर गई माने तुमसे चिपक गई है, वो सबसे बड़ा टॉर्चर वाला बात है. माने देवर को ऐसा नहीं लग रहा है, भाभी ही बोली जा रही है, उन लोगों ने शायद भेजने को लिखा है, माने खुशखबरी, प्रभा वापस आ रही है, लड़की के घर वाले लिखे हैं कि लड़की को वापस ले लो. उनकी पिछली बात ना सुनकर मैं बोला, और बेसिकली ना यहाँ पे एक और चीज होता है, भाभी जानबूझ के भी बोलती है सारी चीजें ताकि लड़के के मन में क्या है वो भी निकाले, isn't it? माने अगर होता है ना अपने जानबूझ के किसी के लिए खराब बोलते हैं, तो अगर कोई किसी का सच्चा वेल विशर है तो वो टोकेगा, तो वो एक करेक्शन भी देखने के लिए भी बोल सकती है भाभी, ये भी हो सकता है. उसने उनकी पिछली बात मैं ना सुना और बोला, तुम्हें ही बड़ा शौक था, तुम ही मरी जाती थी कि बहू ऐसी हो वैसी हो, माने खुद का दोष किसी और के ऊपर रख देना. लो सुनो लाला जी की बातें, मैं क्या उसके पेट में घुस के देखा है, सुनी सुनाई बात मैंने कह दी, माने किसी के अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता, मैंने तो जो सुना कि लड़की अच्छी है पढ़ी लिखी है, जो भी हमें गांव वालों से पता चला वही बात मैंने कही, मुझे थोड़ी ना पता था कि अंदर क्या चल रहा है उसके. फिर गहरी सांस ली, एकदम जोर से डीप एकदम सांस ली, ओफो हद है घमंड का भी, सोचो बुराई किए जा रही है, हद है घमंड का भी, आने जाने का नाम खाकदुल नहीं और घमंड ऐसा, माने काम काज की नहीं है लड़की और देखो घमंड कितना ज्यादा है. कसम से कहती हूँ मैं तो इतनी बड़ी हो गई ऐसी घमंडित औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी. एक्सक्यूज मी, और कहाँ है? बोलो गुण कर्तव्य हो तो नखरे भी सहे जाएंगे, कोरे नखरे कौन उठाएगा. माने अगर किसी में क्वालिटी हो किसी भी चीज का तो भी अपने चापलूसी कर लेंगे, बातें सुन लेंगे, बट अगर किसी में क्वालिटी नहीं है तो भी तुम लोग बातें सुनोगे क्या उसका? एक तो नहीं होता, एक तो ना शक्ल तो मत बोलो, बट एक तो ना व्यवहार का अच्छा, ना काम का अच्छा, फिर एटीट्यूड इतना दिखाओगे तो लगेगा भैया अपने अपने पास रख अपना एटीट्यूड. तो सेम चीज यहीं पे बोला गया है. असल में उन्होंने लेना चाहा पढ़ाई और खूबसूरती के रौब में, सो ऐसी राजा इंदर की परी भी नहीं लगी. भाभी मेरे मुंह के भाव देखने को चुप हो गई. माने ये सब लाइन बोलकर भाभी क्या हुई? चुप हो गई जान मुझ के. क्यों? एक्सप्रेशन देखना था लड़के पे क्या असर हो रहा है, लड़का को क्या फर्क पड़ रहा है ये सब बात करके. तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा हुआ है, कहाँ गया ये लाइन? इंद्र की परी नहीं है माने सुंदर वुंदर इतनी नहीं है. भाभी मेरे मुंह के भाव देखने को चुप हो गई, एक बार चुप हुई एक्सप्रेशन देखने के लिए. फिर क्या ना जाने क्या सोचकर बोली, हंसी तो मुझे तब आई जब घड़ी हाथ में बांध के रानी जी चौके में पहुंची. चौके इस किचन, माने किचन में खाना बनाने के लिए क्या पहनी है? घड़ी पहनी है. तब मुझे बहुत हंसी आई उस पर. वो तो मैं ही चुप हो गई, लेकिन जब उसने कहा कि दाल तो मैंने चख ली थी, अम्मा जी तो उसी पर जमीन आसमान एक कर देती. मैंने कहा जाने दो, बोला जिस आदमी को सबसे पहले खाना है पहले वह खाएंगे, तुम चखने वाली होती ही कौन. मतलब वो बोली थी ना प्रभा की, नहीं नमक वमक तो ज्यादा नहीं हो सकता, समथिंग टेस्ट कर रखे हैं,
तो वो इस बात पे झाड़ी ढकने के लिए, क्योंकि भाभी का ही कारनामा था ये सब, क्या ढकने के लिए कि तुम होती कौन हो, तुम कैसे चक सकती हो, सबसे पहले जिसके लिए खाना बनता है वो खाता है, तुम झूठा कैसे कर सकती हो। पहले के जमाने में चखना भी झूठा करना बोल देते थे, इट वॉज अ क्राइम, तुम चख भी नहीं सकते हो, पति पहले खाएगा फिर पत्नी खाती है। तो इसमें ये चीज बोली कि अम्मा जी तो बवाल कर देती, मैंने ही कंट्रोल किया उनको, मैं उब उठा, माने वो सुन नहीं पा रहे अपनी बीवी का, लगा बाप रे बस प्लीज। कॉलेज को देर हो रही थी, कहा भाभी कॉलेज को देर हो रही है, यह खाया नहीं जाता, मुन्नी ने ज्यादा रख दिया, माने जान मुझ के बोला थोड़ा ही खाना था, फिर भी जान मुझ के बोला कि मैं और खा नहीं पा रहा हूं, मुन्नी ज्यादा रख दी है, और मैं उठ गया, माने खाते खाते उठ गया, निकल गया। वह पीछे से कहती रही, हाय अभी तुमने खाया ही क्या है लाला जी, तुम्हें मेरी कसम इस रोटी को तो मत छोड़ो, माने वो कितनी केयरिंग है, isn't it? माने स्वीट भाभी के रोल में, तो वो रोक रही, अरे तुम कितना खाए नहीं हो यार, एक रोटी तो खा लो, सारी छोड़ दी है, ये सब करके रोकने चाह रहे। नहीं भाभी पीरियड खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा, तो वो क्या बोला कि भाभी अभी नहीं, जब मेरा स्कूल में पीरियड खत्म हो जाएगा तब आऊंगा और मैं खा लूंगा। पेज नंबर 31 में है सानिया, सेकेंड लास्ट पैरा, चलते 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 सुनाई दिया नकली हंसी में लपेट कर कहा गया उनका वाक्य, आ तो रही है लेकिन दबा के रखना लाला जी, कह देती हूँ कसम से पछताओगे। माने जाते जाते भी भाभी भड़काना नहीं छोड़ेगी कि तुम्हारी बीवी आ रही है, पर पहले ही बोल देती, उसको धमका के डरा के रखना, नहीं तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, ऐसे करके बोला। एक बार आप लोग इतना देख लो, फिर अपने आगे देखते हैं लास्ट पैरा से, आज जल्दी हो जाएगा, ज्यादा नहीं, आई गेस फोर्थ वन वाज ज्यादा लॉन्ग। अच्छा मैम, आप जो वहाँ पे मतलब आप बोली थी ना कि भाभी उसको ऐसे बोल रही थी, उसके बाद आप थोड़ा शॉर्ट में बोल देंगी? हाँ, मैं क्या बोल रही थी, एक सेकंड रुको, कहाँ थे तुम, कहाँ तक सुना, मैं भी तुषार जैसे हो गई हूँ, भूल जा रही हूँ, कहाँ तक सुना था मैम? वो भाभी बैठ के उससे बात कर रही थी ना, बोल रही थी कि तुम्हारा 6 महीना हो गया शादी को। ओके चेतना आगे बताओ क्या क्या था, चेतना बहुत अच्छे से सुनी आएगी, बताओ चेतना कंटिन्यू। मैंने सानिया का बात नहीं सुना, लेकिन सानिया ने कहा मैं बोल दे, सानिया आगे का पूछ रही है जहां से वो मिस किए कि भाभी और उसके बीच में क्या बात हो रही थी, वो जो बैठा था तो उसके बाद क्या क्या बात हुई। अच्छा, तो भाभी ने ऐसे पहले तो समर को भड़काने की कोशिश की कि तुम्हें क्या पता कि वो तो रिस्ट वॉच पहन के किचन में आ गई थी, मैं तो उस पर बहुत ज्यादा हंसी थी कि ऐसे कैसे, मैंने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं था उसको, पर फिर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को गुस्सा तो तब आया जब प्रभा ने जो दाल है वो चख ली थी, जब उसने बोला कि उसने चख लिया, क्योंकि लिए वो उस जमाने में भी क्राइम हुआ करता था। एंड मतलब अम्मा तो इस पे जमीन आसमान एक कर देती, लेकिन भाभी ने उसको बचा लिया कि देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, और मतलब प्रभा को उससे बचा लिया। इन दिस सेंस यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ ऐसे ही हो रहा है कि वो भड़काई जा रही है, ठीक है भाभी, और बोल रही है कि शायद तुम्हारी बीवी आने वाली है, एक लेटर आया है कि तुम्हारी बीवी आने वाली है बुलाने के लिए, समथिंग कि अपनी बीवी को बुला लो। और फिर वो खाना उसको भा नहीं रहा था, भाभी की बातों से इरिटेट हो रहा था, बार बार भाभी उसको पोक कर रही है कि तुम्हारी बीवी ऐसी वैसी, वो अगर हूर की परी है सिर्फ, और उसमें कोई अंदर में गुण नहीं है, अगर किसी में अंदर में गुण हो तो भी तो उसकी बात सुनी जाए, चापलूसी किया जाए, बट तेरी बीवी में तो ऐसी कोई भी बातें नहीं है, फिर भी देख कितना बड़ा एटीट्यूड है उसका। सेकंड चीज, किचन में भी आती है, रिस्ट वॉच पहन के आती है, दाल वाल पूरा खराब कर देती है, और झूठ बोलती है, चखने वखने वाली बातें करती है, और फिर लास्ट में जब समर उब गया तो वो बोलता है कि भाई मेरा स्कूल है, स्कूल का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और वो खाना झूठा ही छोड़ के चला जाता है। तो भाभी केयरिंग है इसीलिए बोलती है, अरे रुको रुको, तुम कहां खाना छोड़कर जा रहे हो, खा के जाओ। तो फिर एक सेकेंड तुषार, फिर क्या होता है, फिर यही चीज होता है कि वो बोलता है ठीक है मैं आके खा लूंगा, अब नहीं खाऊंगा, और भाभी जाते जाते उसको बोलती है कि तेरी बीवी जो आने वाली है उसको एकदम कंट्रोल करना, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगी। बोलो तुषार। मैम इसकी भाभी ऐसी क्यों है? भाभी भाभी ऐसी क्यों है? ओके लेट मी थिंक, भाभी ऐसी होती थी, मतलब सच हमारी तो नहीं है, यू आर लकी, माने पहले के जमाने में, आजकल के जमाने में क्या भाभी क्या दीदी,
इट्स ऑल दी सेम, बट पहले के जमाने में यार ऐसे ही होते थे, समझ रहे हो, माने ज्वाइंट फैमिली स्ट्रगल करते थे, जो खुद पे बीता है औरों की लड़कियों के पे बिताना, माने ऐसे ही रहता था, लगाई सिखाई करना, कहीं पे प्यार का रिश्ता भी निभाना, इट वॉज वेरी मिक्स्ड, मतलब जान मुझ के करते थे, उन्हें मजा आता था, क्योंकि अब के जमाने में हम लोग के पास नेटफ्लिक्स है, इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं देखने को करने को, पहले के जमाने में तो नहीं था ना, तो अपने घर पे एक सीरियल चला देते थे उन लोग, अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है, इसीलिए अभी तो अपने पास टाइम पास करने के लिए बहुत चीज है, उनके पास नहीं होती, दैट्स व्हाई उन लोग ये सबसे अपना एक दूसरे के बीच इसीलिए ऐसे करते। चलो आप लोग एक बार देख लो, और मुझे और एक चीज पूछना है, और मुझे और एक चीज पूछना है आप लोग से, कि आप लोग का कल 3:30 समथिंग हो पाएगा क्या, ताकि मैं और एक क्लास ले सकती हूँ इसी का, ताकि रात को ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़े, 3:30 समथिंग अपन आज थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं, मतलब आज थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, मतलब नेक्स्ट चैप्टर भी आधा कर लेते फिर कल देख लेंगे, आज जहां तक है शायद नहीं हो पाए, फिर भी मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा सा स्टार्ट कर पाए तो कर लेंगे, बट कल वाला चीज मैम आज अगर आप थोड़ा लेट नहीं करें तो कल, मैम एक्चुअली मैं मॉर्निंग में स्कूल है, मेरा भी आज थोड़ा सा मेरा इश्यू है, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग वाला चीज, बट देख लेंगे, अगर थोड़ा एक दो पेज भी नेक्स्ट चैप्टर का कर ले तो, बट एक एक चैप्टर करो तो बेटर है, एक साथ में खत्म होता है, क्योंकि लिंक्ड होता है ना, हाफ करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, और साढ़े तो करेंगे, इसीलिए मैं जानबूझ के लिख दी, क्योंकि होता ना जब एक बार बोल देते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है, तो मैं जानबूझ के ग्रुप में लिखी हूँ कि ये चैप्टर, ताकि मैं भी करवा दूं आपको। मैम बैक टू बैक क्लास होगा क्या, वो 7 बजे से लेके बैक टू बैक होगा क्या? कल आप लोग का होता है ना, जैसे इतना दिन हो गया होगा मूवी गए हुए, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कल मैंने 7 बजे से मैं पूरी मैंने हिंदी बैच के लिए, मतलब तारा कश देखेंगे साथ में, तो 7 बजे के बाद थोड़ा ब्रेक दे दूंगी, ऐसा मत समझना नहीं है मैम, 2-3 लेकिन सेम 2 के दिन ऐसे करेंगे कि बस एक दिन में 2 लाइन करके छोड़ देंगे, क्योंकि अभी जैसे हवा की तरह उड़ा रहे हम लोग सिलेबस को, वैसे सेम 2 में बहुत ऐसे नहीं बचेगा जो अभी इस बार नहीं। अच्छा तुम लोग कॉमेडी करो, मेरे को बोलो कल का 3:30 बजे 3:30 4 क्या हालत है, क्योंकि मैं अकॉर्डिंगली फिर देखूंगी। मैम हम इंग्लिश छोड़ दिया, हम सिर्फ हिंदी पढ़े के जाएंगे इस बार एग्जाम में। अरे नहीं डोंट डू दिस, मेरे छोड़ दिए इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे मैम। तुम लोग ताना दे रहे हो मुझे, ओ माय गॉड प्लीज। नहीं मैम क्यों, तुम लोग का कब है इंग्लिश तुम लोग का? मैम 22nd को, 22nd को मैम, बट सच में इंग्लिश छोड़ दिया मैंने भी, नहीं हो क्यों, इंग्लिश तो कितना इजी है, क्या प्रॉब्लम, उल्टा उल्टा बहुत इजी है, हिंदी से उल्टा पढ़ तो एक सेकंड थेरेप्यूटिक सब्जेक्ट हो गया हिंदी, अभी तो ऐसे मैथ करने बैठते हैं हिंदी का ऐसे एक दो लाइन पढ़ लेते हैं, अब दिमाग से लर्न करने का दुख है, चलो हिंदी को हिंदी वाला चीज है, बट इंग्लिश को ऐसे त्याग मत दो आप लोग प्लीज, माने जो भी हिंदी का टीचर, मैं जोक था, आप सीरियस ले लिया, सच नहीं छोड़े नहीं होना, हो सकता कुछ कुछ, नहीं मैम जोक मार रहे हैं, नहीं मैम कंपलसरी है मैम, कुछ कुछ नहीं होते, क्रैक माइंडेड है कि भैया चलो छोड़ दो सारी सब्जेक्ट एक पे फोकस, श्रुति को छोड़ के सब क्रैक माइंडेड, श्रुति वाला श्रुति क्रैक माइंडेड है, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई, हां श्रुति को छोड़ करके सब क्रैक माइंडेड है, नहीं नहीं मजाक। अच्छा कल 3:30 4 का हिसाब बताओ, करोगे नहीं करोगे? हाँ मैम कर लेंगे। चेतना का हाँ है, बाकी लोग मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, आप लोग एक काम करो ऐसे हाथ उठा लो, चेतना का ठीक है, और बाकी 4 लोग क्या हाथ वाथ उठा लो समथिंग प्लीज, ओके अनुष्का ओके, सानिया ओके, श्रुति तुषार ऑलवेज ओके मैम, आ जाएंगे रात का, मैम कैसे करेंगे मैम 4 घंटा लगातार, नहीं करेंगे तो मैं बताती हूँ ना हिसाब कैसे, अपना अपना हिसाब कल का होगा, आई हैव सेड 2 2 ओके ठीक है, अगर और अर्ली होगा तो मैं वो भी टाइम बता दूंगी समथिंग, जहां तक मेरे को लग रहा है मेरा 2:30 शायद ब्लैंक हो जाए, अगर 2:30 से होगा तो ठीक है, नहीं तो 3:30 से तो हो ही जाएगा ठीक है,
तो मैं एक टाइम अभी रात को भेज दूंगी अपना स्केड्यूल देखकर आप लोग को, तो अपने क्या करेंगे एक या डेढ़ चैप्टर दिन में कर लेंगे, बचेगा डेढ़ चैप्टर वो रात को कर लेंगे, साथ में फूल की चाह हो जाएगा। और फूल की चाह यहाँ पे सब तो अटेंड नहीं कर रहे, कुछ कुछ कर रहे, बैलेंस शीट मैच हो गया, ठीक है, तो एकदम परफेक्ट रहेगा, दिन में आधा रात को आधा और साथ में फूल की चाह। और कल देख लेंगे 8 से 9 में भर गए तो और अच्छा, तो परसों एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के 10 खत्म, ताकि कल ही कर देते ना, पूरा दिन ले लेते कल, कल ही सिलेबस कंप्लीट। मेरा इच्छा है अगर हो जाए तो आपके मुंह में घी शक्कर, नहीं मैम मैम कोई बात नहीं, ठीक है आराम से करेंगे आई गेस। चलो आप लोग के बीकेएस में कुछ उसका हुआ है क्या, समथिंग कॉमर्स अकाउंट्स का कुछ, ये सेकंड सेम से है ना, निखिल भैया इज नॉट डूइंग, हाँ मैम, हाँ भैया, हाँ मैम, तुमको भैया अनुष्का प्लीज, तुम भैया बोल के प्लीज, कहाँ से बाबू, अच्छा ठीक है वॉट एवर, निखिल भैया इज नॉट डूइंग, मतलब ही वॉज डूइंग ना, मतलब अभी सेवन लास्ट है उनका, हाँ मैम ये तो सुनने में आ रहे है, भैया ने भेजा, भैया वीडियो अपलोड किया मैम अभी, है ना वॉइस नोट, नहीं अपलोड किया ना वीडियो निखिल भैया ने, चलो कहाँ थे मैं भटक गई हूँ वापस। हाँ ओके चलो चलो लेट्स स्टार्ट। पुरुषों की चुप्पी और स्त्रियों का यह विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आता, माने आदमी लोग का नेचर होता है वो लोग कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करते, अपने पापा लोग को देख लो, सारी चीजें जो भी है मन में रखते हैं कभी भी शेयर नहीं करते, और औरत लोग का विचित्र व्यवहार और औरत लोग का गॉसिप करने का व्यवहार, ये सब विचित्र इज डिफरेंट स्ट्रेंज व्यवहार नेचर समझ में नहीं आता, इन दोनों का क्या अर्थ समझू, पता नहीं इसका मतलब क्या समझू, लेकिन मन जैसे सुबह से ही बिगड़ गया, इसका मॉर्निंग से दिन खराब चल रहा है, आज अचानक बार बार मन की उदासी से यह बात उठ उठ कर झांकने लगी कि 6 महीने हो गए जाने उसका क्या हुआ, सच रोमांटिक थिंग नहीं होता है, 6 मंथ चले गए और लड़की का क्या हुआ पता ही नहीं, मुझे क्या वह एक खत तक नहीं लिख सकती थी, इतना दुष्ट लड़का है पहले वो खत लिखेगा और एक्सपेक्ट ही कर रहा है, मतलब इस टाइप के नमूने सच में, माने तुम सिर्फ एक्सपेक्ट ही करोगे लड़की सब कुछ करेगी ये वो, माने ही इज एक्सपेक्टिंग कि 6 महीने हो गए लड़की ने खत नहीं लिखा तो तुम लिख लेता, तुम कौन सा बेपढ़ा लड़का है, इजंट इट। नेक्स्ट ये सब मेरा फीलिंग था, हाँ मतलब आप लोग इसको मत लिखना। नेक्स्ट चीज, शायद मैं पढ़ता और उपेक्षा में फाड़ कर फेंक देता, सोचो घमंड देखो, लिटरली बोलते हैं कि अगर वो लिखती भी तो हो सकता है मैं उसको नफरत में हेट्रेड में फाड़ के फेंक देता, एक इंग्लिश में सॉरी था ऐसे करके कि माने मम्मी मम्मा लोग से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे, तो वहां पे क्या होता है कि एक दिन मम्मी सोची मैं स्ट्राइक पे जाती हूँ, बच्चे लोग एकदम ग्रांटेड लेते हैं, तो मम्मी चाय वाय नहीं बनाती, बच्ची आती है और वो कहीं घूमने जा रही होती है तो वो अपना एक्सपेक्टेशन दिखाते कि क्या हुआ आपने चाय रेडी नहीं किया, तो मम्मी पूछते क्यों तुम्हें चाहिए, तो बोलते नहीं मुझे चाहिए नहीं बट अगर चाहिए होती तो। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि उसको लेटर नहीं चाहिए, वो फाड़ के फेंक रहा है लेटर एंड एवरीथिंग, फिर भी वो उम्मीद कर रहा है लड़की लेटर भेजे, क्या बोलोगे आप लोग ऐसे लड़के को बताओ, शादी करने का हक नहीं है उसको। वेरी गुड तुषार, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस, शादी करने का हक नहीं होना चाहिए ऐसे लड़कों। नेक्स्ट, सच में नहीं होना चाहिए, शिपी होते हैं। आगे देखो, लेकिन उसे क्या पत्र भी नहीं डालना चाहिए था, माने मैं फाड़ता बहुत अच्छी बात है बट वो तो पत्र डाल सकती थी, माने क्या क्या बोलना चाहते हैं लिटरली, माने बोलना क्या चाहते हो। नेक्स्ट, इस बीच में कैसी होगी वह, और सोच भी रहे कैसी होगी, उस आघात की बात उस पर क्या असर पड़ा होगा, माने वो जो सिचुएशन हुआ था आघात इस वो जो पेन हुआ था उसके दिल में, उसके बाद उस पर क्या असर हुआ होगा, ना जाने क्यों एक दुनी वर मल्च के मचलन हृदय में हुई कि किसी तरह उसके बारे में कुछ जानो, सोचो दुनिवर इसे क्या होता है जिसे रोका नहीं जाता है, एक ऐसी फीलिंग आई जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्या फीलिंग आई कि लड़की के बारे में चलो कुछ तो पूछूं कैसी है वो, और वो रोक नहीं पा रहा था, ये अपना फीलिंग हुआ, क्या क्या कहा होगा उसने अपने घर जाकर, पता नहीं क्या क्या बोला होगा, कभी कभी तो मैं सीहर उठता था शिवर डर जाता था, सारी जिंदगी इस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी,
ऑब्वियसली किसी की गर्लफ्रेंड या वाइफ ऐसी, मतलब अगर सोच रहे हो घमंडी है या कोई अलग ही है तो ऑब्वियसली किसी को भी टेंशन हो जाएगा, तो कि मने होता है ना कैसे इसके साथ मेरा पूरा लाइफ बीतेगा। नेक्स्ट, और सिहर का मीनिंग किसका मतलब, सिहर शिवर करना, डरना, ठीक है, शिवर इज दी राइट वर्ड, बट यहाँ पे डर जाना भी आप बोल सकते। तो यहाँ पे और वहां पे डर क्यों लगता था, आजकल तो भैया शादी कर लो, अगर नहीं भी निभा, लड़की लड़का अच्छा नहीं भी निकला तो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, नॉर्मल है, बट पहले के जमाने में नहीं हो सकते, इसीलिए इतना बड़ा बात है कि यार कैसे पूरा लाइफ बीतेगा, क्योंकि वहां सेपरेशन ऑप्शन ही नहीं होता है कि डाइवोर्स दे दू, सेपरेट हो जाओ। बोर्ड की फीस मांगने अम्मा के पास गया तो 25 रुपए का नाम सुनकर ही उनका मुंह खुला रह गया। बोर्ड की फीस कितनी थी याद रखो, कितना था बोर्ड का फीस उसके पिता के पेंशन के समान। वेरी गुड, मैं ये पूछने वाली थी, माने 25-25, पेंशन भी 25 और ये क्या बोलते हैं इसका, बोर्ड का फीस भी 25। हिंदी अच्छा हो गया तुषार, उसके पिता के पेंशन के समान। वेरी गुड, नेक्स्ट, उनका मुंह खुला रह गया, माने फीस सुनकर मुंह खुला रह गया, हाय इतने रुपए मेरे पास कहाँ है भैया, अपने बाबूजी से ही मांगना, माने मम्मी के पास गया तो मम्मी क्या बोलते हैं, मेरे पास कहाँ है इतने पैसे, जाओ अपने पिता से मांगो, बाबूजी से ना मांगना पड़े इसीलिए तो अम्मा के पास गया था, होता है ना, अपने को पापा के पास नहीं जाना पड़े इसीलिए तो मम्मी के पास जाता है, अब मम्मी भेज रहे उसको पापा के पास। अब दिल धड़क उठा, डर गया दिल, एक बार भाई साहब भाभी से मांगने की बात भी मन में आई, लेकिन जानता था कि या तो उनके पास भी नहीं होंगे या तो वक्त बेवक्त के लिए 25-30 रखे भी होंगे, उन्हें वे नहीं देंगे। वक्त बेवक्त, बेवक्त माने मुसीबत के समय, अगर माने मुसीबत के समय के लिए भाई और भाभी ने स्टोर किए होंगे पैसे, तो अगर मैं अभी मांगू तो वो लोग नहीं देंगे, दे विल से नो, उसको ये आशा थी। बाबूजी कल बोर्ड की फीस जानी है माने देनी है, कल बोर्ड की फीस देनी है, जैसे तैसे मैं उनके पास जाकर मानो अपने आप से बोला, मैंने अपने आप से क्या बोला, जैसे तैसे ये सब मैंने अपने आप से ही बोल रहा है, ऐसे पिता से नहीं लग रहा, खुद से ही बोल रहा है। पहले तो चुप बैठा रहा था, फिर सिर झुकाकर निहायत ही मरियल स्वर में कहा था, जैसे शराब पीने के लिए रुपए मांग रहे हो, निहायत माने नहीं होता है कि झुककर एकदम ही अदा से, एकदम ही कोमल वे में, या फिर बोल सकते हो बहुत अधिक तरीके से, माने एकदम अधिक कोमलता के वे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि माने एकदम ही मरियल स्वर में, एकदम धीरे धीरे नहीं बोलते, अपने जैसे अपने अंदर एनर्जी नहीं है वैसे बोल रहे हैं, और ऐसे बोल रहा था जैसे वो दारू वारू पीकर आए, शराब पीकर आए लग रहा है वैसा फीलिंग, शराब पीकर आए वैसा फीलिंग नहीं था, ऐसे मांग रहे डर डर के, ऐसे मरियल वे में मांग रहा है जैसे वो शराब पीने के लिए रुपया मांग रहा है, माने वो तो गुड कॉज के लिए पैसा मांग रहा था, बट उसको इतना डर लग रहा था पैसा मांगने से जैसे कोई बैड कॉज लाइक अल्कोहल ये सब के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, ये चीज है। सांझ घिरे बाबूजी खाट की अद्वायन को कस रहे थे, सांझ घिरे माने इवनिंग हो गई, बाबूजी खाट माने जो चारपाई होती है वैसे बेड की, अद्वायन माने रस्सी होता है, माने पहले के जमाने में अभी भी देखे होंगे जो चारपाई होती है उसके बीच बीच में छेद से ना कोई रस्सी निकलता है, माने एक दूसरे से फोल्ड करता है समथिंग, तो उसको कसना पड़ता है, कभी कभी वो ढीला हो जाता है, तो वही बाबूजी कर रहे थे बेड को ठीक। मेरी और पहले तो देखते रहे, फिर घनघनाती सी आवाज में बोले कितनी, पिताजी लोग का जैसे वॉइस होता है वैसे बोले कितनी, 25 शब्द का उच्चारण मैंने इस तरह किया मानो मेरे जीवन की 25 सांसें ही बाकी रह गई, माने बहुत डर रहा था पिता से। हूं उन्होंने हुंकारी भरी और फिर एक रस्सी को खींचा, हूं हुंकार जैसे काली माँ लोग नहीं करते हुंकार वाला चीज, तो हूं ऐसे करके बोला होगा और फिर वापस से रस्सी को खींचा, माने जिसको वो काम कर रहे थे वही चीज, उसे कोहनी से दबाकर बोले, माने रस्सी वस्सी को दबा रहे थे और बोले, ये मेरी पेंशन के 25 रुपए आए हैं सो इन्हें तुम ले, हमारा क्या है, हम तो हड्डी पेलने हैं जिंदगी भर सो तुम्हारे लिए करेंगे, माने हमें तो हर वक्त काम करना पड़ेगा, हड्डी पेलने माने क्या, अपने हड्डियों को यूज ही करते रहना पड़ेगा, काम ही करते रहना पड़ेगा, हार्डवर्क ही करता रहना पड़ेगा जो हम करेंगे, कर्म में लिखा के लाए है कि लड़के ढिंगरे ऊंट हो जाए तब तक खिलाना सो खिलाएंगे, सबके पापा लोग से स्पेशली लड़कों को सुनने मिलता है, नहीं कितने बड़े हो गए हैं इतने क्या बोलते ऊंट के समान बड़े होते जा रहे, फिर भी कमाने के लिए इनके इनको कुछ आता नहीं है, पैसा हमसे ही मांगते हैं, माँ बाप से ही मांगते हैं, ढिंगरे ऊंट उसी वर्ड के लिए है कि इतना बड़ा हो गया कुछ कमाता वमाता नहीं,
कल परसों अमर रो रहा था कि उसकी भी फीस देनी है, माने इन लोगों का देख रहा हालत, पैसे की तंगी है बहुत ज्यादा, इसीलिए अमर भी रो रहा है पैसे के लिए कि फीस भर दो। देख रहे हो तुम लोग कितने लकी हो, इसीलिए बोलते पढ़ाई को वैल्यू करो। यहाँ पे देखो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए फीस वीस कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे देखो कोई कोई आई डोंट नो, मतलब अभी पर्सनली सबको इतना, बट होता है ना कि अपने को इतना अपने माँ बाप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे, बट आप लोग यूटिलाइज उतना कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछो तो वी शुड यूटिलाइज उनका हार्ड एंड मनी, चाहे जो भी हो तो उनका इतना हार्ड एंड मनी जो आप लोग पे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो इट शुड बी यूटिलाइज। इसीलिए आप लोग रात रात भर पढ़ो थोड़ा, और नींद जितना लेते हो उसको थोड़ा सा कट ऑफ और करो, ज्यादा ज्यादा मेहनत करो। हम लोग स्कूल के टीचर भी बोलते हैं, हम लेक्चर नहीं दे रहे थे, स्कूल की टीचर लेक्चर वेक्चर दे रही है, ठीक है, हम सच में समझा रहे। स्कूल टीचर ना हमें को साउंड थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं होता है, स्कूल टीचर तो लेक्चर वेक्चर टाइप देते हैं, चलो बट सच में बोल रही हूँ, पता है ये बहुत बहुत अच्छा। आप लोग को ऐसे नहीं लगता है पढ़ते रहो ऐसा फीलिंग नहीं आता कभी, वाओ कि वाओ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बात एक वो चीज होना चाहिए, सच में क्रेविंग नहीं होता है, मुझे ये एक्सरसाइज करना है, मुझे भी ये चैप्टर करना है, वाओ मेरे पास इतना लिस्ट है पढ़ने का, वो चीज करो, वो फीलिंग लेकर आओ अपने आप। आप लोग वैसे ही करो, प्लानिंग करो अपना, वैसे कुछ पहले से प्लानिंग कर देना चाहिए था, बट ठीक है इट्स ओके कर लेना, बट अभी भी टाइम है, इट्स ओके अच्छा करो। सीबीएसई का तो आज बोर्ड स्टार्ट हो गया है, तो इजी आ रहा है, पता इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ टफ वाली चीज है, तो आप लोग का भी अच्छा ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। कल परसों अमर रो रहा था कि उसकी फीस भी जानी है, अभी दिवाली गई है, खर्चे के मारे ढेर हुआ जा रहा है, माने खर्चा इतना इकट्ठा होते जा रहा है, ढेर होते जा रहा है, कमाने वाले वही एक धीरज है, सो तुम चूस के खा जाओगे, साफ दिख रहा है, माने जो लड़का कमाता है माँ बाप का थोड़ा फेवरेट हो जाता है, फ्यूचर में देखोगे कमाना वमाना माँ बाप को पसंद है, क्योंकि थोड़ा नहीं होता है बोझ कम हो जाता है, तो अपने बड़े बेटे का सपोर्ट लेता है कि एक लड़का कमाता है उसको तुम लोग चूस जाओ, उसका खून खा लो कि भैया वही खर्चा दिए जा रहे हैं, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, उन्होंने कमीज के भीतर हाथ डालकर बनियान की जेब की जेब से नोट निकाले और बिना गिने ही मेरे सामने खाट पर डाल दिए। जब भी पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना, बिना गिने डाल देते हैं, माने वो लोग बेमन से दे रहे हैं, एंड दे आर वेरी एंग्री, होता है ना जब हिसाब नहीं करते हैं, कभी भी देखना ऐसा होगा, कभी हिसाब नहीं करे ऐसे ही रख दे तो कभी मत उठाना हो पैसे, कभी नहीं, गॉन केस एकदम। नेक्स्ट, अब उठा लो इन्हें, यो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं, पेरेंट एकदम गुस्सा में, इसका पापा क्या ताक रहे, मुंह ले ले पैसे, मेरी हिम्मत नहीं थी कि सामने पड़े नोटों को उठा लो, एकदम मन में आया कि यो ही उल्टी उल्टे पैर चला जाओ और इस सारी पढ़ाई लिखाई में लात मारकर कहीं से लाकर रुपयों का इतना बड़ा ढेर लगा दूं कि इन लोगों का भी मन भर जाए, कहूं लो रुपया कितना चाहिए, रुपया रुपया रुपया, मतलब वो पूरा पगला गया है कि उसका मन है इनके पैसों पे लात मारूं, नहीं होता अपने को अपना ईगो में लग जाता है, पेरेंट की बातें भी है ना, पापा लोग का बात ईगो पे लग जाता है कि कैसे ऐसे बोल दिया, मन करे इतने सारे पैसे लो इतने कमाओ और पूरे ढेर लगा दो, एकदम फेंक दू और फिर बोलू लो लो रुपए 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 जितना लेना है ले लो, एम्फेसाइज करे रुपए 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 वर्ड पे कि लेना है जितना ले लो, मने मन ही मन सोच रहे इसकी अब भी इतनी औकात या फिर इतना हिम्मत नहीं था कि पिता के सामने ये सब बोले। एक बार मुझे यो ही खड़ा देखकर बाबूजी ने फिर सिर झुका लिया, फिर एकदम बदले हुए स्वर में बोले, अब पिता है यार दुखी, दुख है इसीलिए बोल दिया बहुत सारी चीज, अब थोड़े पोलाइटली उसको समझा रहे बेटे को, क्या समझा रहे हैं, कितनी परेशानियां है समर तुम ही सोचो, हमारा ही दिल जानता है, बताओ मैं करूं क्या, कहीं दोबारा नौकरी करने के हाथ पैरों में दम नहीं है, माने पिता तो एजेड हो गए हैं, कुछ भी अब हम लोग कर नहीं सकते काम वाम कुछ भी चीजें। इधर उस धीरज की बहू के दिन भी पूरे हो रहे हैं, बहू के दिन पूरे हो रहे हैं माने उसके क्या बोलते हैं डिलीवरी का डेट सामने आ रहा है, जो बेबी बॉर्न होगा उसका डेट सामने आ रहा है, उसको बोलते हैं दिन पूरे हो रहे हैं, जान को एक नई आफत, सोचो एक तो उसका ग्रैंड चाइल्ड आ रहे हैं और उसको आफत बोला जा रहा है, जान को एक नई आफत। नेक्स्ट,
बड़ी बहू का पहला बच्चा. सॉरी इट इज सो सिली. आजकल की दुनिया में तो इतना खुशी मनाते हैं और यहाँ पे उसको आफत बोल रहे. जस्ट इमेजिन. ओह माय गॉड. नेक्स्ट. हाँ, बड़ी बहू का पहला बच्चा है. तुम जानो कम खर्च होगा. माने फर्स्ट बेबी आ रहा है, देखो कितना खर्चा होगा. सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले. किसके बच्चे? खुद के बच्चे. ये लोग सब भाई बहन स्कूल कॉलेज वाले थे ना. ठीक समय पर उन्हें भी खाना पहनाना होना चाहिए. ऑब्वियसली सारी चीजें देखनी होती है. तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है. तुम्हारी अम्मा चूल्हे में सिर झोंकते झोंकते इस हालत को आ गई है. अपनी माँ को देखो, सिर्फ कुक करती रहती है, सारा दिन रसोई में रहती है. देखो क्या हालत हो गई है. बुढ़ापे का शरीर, एजेड हो गई है. बहुत किया उस बेचारी ने भी. मैंने अपनी पूरी जवानी से यही किए जा रही है. अब उससे नहीं होता, अब उससे नहीं होगा. तीसियों साल से बिना सांस लिए वही तो करती रही है. माने 30 ईयर, तीसियों साल से इतना ये सभी तो काम करती जा रही है. दैट इज वाई आई एम लिटिल बिट अगेंस्ट मैरिज एंड ऑल. क्या करते हैं जो पहले के जमाने की औरतें हैं? कुछ नहीं. क्या? वही चूल्हा चौका, वही पति का बात सुनना, वही उनसे मार खाना, वही गंदी गंदी बातें सुनना, डिपेंडेंट होके रह जाना. Something. अगर तुम्हारा एक लाइफ है, जस्ट वन लाइफ, ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम है, तो स्पेशली गर्ल्स को बोलती हूँ, मतलब जो भी चीजें हैं, अपनी लिमिटेड लाइफ को बेस्ट यूटिलाइज करो. मैरिज इज ऑलवेज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी. इफ यू आर गेटिंग समवन परफेक्ट और समथिंग, देन वी शुड सेलेक्ट. ये नहीं है कि भैया फॉर द सेक ऑफ मैरिज, जो सोसाइटी का एक चीज होता है, एज है, फॉर द सेक ऑफ मैरिज मैरिज कर लू. इट इज वर्स. हालत देखते हो, लिटरली बोल रही हूँ. अभी भी जो है, ये नहीं कि पहले के जमाने की. आई नो सो मेनी भाभीज, अभी के जमाने में भी दे आर डूइंग व्हाट? वही दिन भर काम किए जा रही है, जो स्पेशली हाउसवाइफ है. आई डू रेस्पेक्ट देम, बट वही दिन भर काम किए जा रही है. वही जो भी गुस्सा है पति का, बच्चे का, सही जा रही है. एंड खुद का लाइफ इज जीरो, नथिंग एल्स. तो ऐसा लाइफ जीना इज लाइक प्लीज यूजलेस. तो यहाँ पे उसकी माँ का एक लाइफ लेकर आए कि तीसरे साल से यही किए जा रही है, चूल्हा चौका, बच्चों का काम, पति का काम. ना हो तो जरा जाकर अपनी बहू को ही लिवा लाओ, कुछ तो मदद होगी. अब बोल रहे और कुछ नहीं तो अपनी वाइफ को ले आ, काम तो करेगी कुछ ना कुछ. नौकरी, कॉलेज वालों को खाना तो ठीक समय पर मिल जाएगा. माने वाइफ को भी काम करने के लिए लेकर आ. सोचो, ये नहीं कि बहुत टाइम से दूर है या समथिंग, काम करने के लिए उसको बुलाया जा रहा है कि चलो काम तो हो जाएगा. कुछ मुन्नी हाथ बटा लेगी. क्यों? बड़ी वाइफ, अभी बड़ी बहू क्या है, प्रेग्नेंट है, वो ज्यादा काम कर नहीं पा रही है. माँ एजेड है, अभी से मुन्नी अकेली पड़ गई है. अगर प्रभा आ जाएगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा. अब मुन्नी को भी यही रहना है. सारी बिरादरी के लोग थूकते हैं, लेकिन करे क्या, एक मुसीबत है. किसको मुसीबत बोला? जस्ट इमेजिन, बेटी को, लड़की को बोल रहे एक मुसीबत है. शादी के बाद इधर ही रहना पड़ रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसके इन-लॉज. इसीलिए सारी स्थिति को बाबूजी के दृष्टिकोण से देखकर उस क्षण सचमुच उनकी मजबूरी पर मुझे बड़ी दया आई. दृष्टिकोण माने उनका नजरिया से अगर देखा तो सच में लगा कि हाँ बाबूजी सही तो बोलते हैं, मजबूरी लग रही. दया आई. अगर वे कटखने या चिड़चिड़े हो गए हैं तो इसमें उन बेचारों का क्या कसूर? अगर वो इरिटेटेड हो गए हैं, इरिटेट वाला एक्शन सबके साथ करते हैं, तो उसमें बाबूजी का कोई दोष नहीं है. बेचारे कहां तक करे, गले का घूट लिलकर बड़ा साहस करके मैंने कहा, बाबूजी अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा. माने वाइफ को ले आओ, बट मैं नहीं लेने जाऊंगा. छोटे भाई को भेजो मेरी वाइफ को लेने के लिए. और वो एकदम गला का घूट एकदम ही होता है जैसे दैट जो भी चीज अंदर में लेकर एकदम क्या बोलते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी उसको ये बात बोलना पड़ा. नेक्स्ट. उनका स्वर एकदम बदल गया. कड़क कर बोले, अमर चला जाएगा, तुम्हारा तो दम निकलता है बहू का नाम सुनकर. बोलते हो क्या बोल रहे हो, छोटा भाई क्यों जाएगा, तुम्हारा क्या दम निकल रहा है, जान निकल रही है बहू का नाम सुनकर. भेड़िया है ना सो खा जाएगी, लड़की के लिए बोल रहे हैं. बोल पहना खावा तो तुमको खा जाएगी, जो ऐसे डर रहे हो लड़की से. अच्छी थुकावा औलाद हुई है. माने थूकने वाली, माने देम शिटी औलाद हुई है मेरी. बच्चा, सब अपने अपने को ना जाने किस लाट साहब का बच्चा समझते हैं. आप लोग सुने होंगे नहीं, किस लाट साहब, माँ बाप अपने लिए वर्ड यूज करते हैं, पता नहीं किस लाट साहब के बच्चे हो, इतने नखरे, इतने शौक है आप लोग के, ऐसे करके बोलते हैं पेरेंट्स.
किसी का कुछ दिमागी समझ में नहीं आता, मुझे भी देखना है कि कब तक नहीं बोलोगे। लाख समझाए कि दूसरी की लड़की है, क्या समझेगी, क्या कहेगी अपने घर जाकर। हमें और भी तो शादी ब्याह करने हैं, और भी माने अपने बच्चों के, दो लड़के जो है उनके। लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, किस किस का मुंह पकड़ोगे, लेकिन बैठे है कि अपनी तिरंदाजी में किसी को अपने सामने बदते ही नहीं, माने अपने एटीट्यूड में, अपने हीरोपंती में और किसी को समझते ही नहीं। माने बाप समझा रहे कि वो जो लड़की है दूसरे की लड़की है, क्या बोलेगी अपने घर जाके, समाज में थूतू हो रहा है, और भी लड़के हैं, कोई अपनी बहू नहीं देगा, माने कोई अपनी लड़की नहीं देगा घर में लाने के लिए। ये सब थोड़ा ख्याल रखो और इतना एटीट्यूड मत दिखाओ और चले जाओ लाने के लिए। ये इन शॉर्ट बोलना चाहते, लेकिन बेटे है कि अपनी तिरंगबाजी में ही किसी को बदते नहीं है, माने किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं है। असल का हो तो जिंदगी भर मत बोलो, माने अगर कुछ है तो भैया, माने ऐसा है तो जिंदगी भर मत बोलो, मतलब अगर तुम नहीं चाहते तो भैया मत बोलना जिंदगी भर, लाइफ टाइम। बिजली की तरह भाभी की एक बात कौंध गई, अचानक से भाभी ने कुछ कहा था, वो बात मेरे सामने आ गई। स्वर में मजाक भरकर लेकिन सलाह देने के लहजे में उन्होंने एक दिन कहा था, माने आवाज में मस्ती थी बट फिर भी उन्होंने कुछ मुझे समझाया। लाला जी बाबूजी आज अम्मा जी से क्या कह रहे थे मालूम है? मैंने जब जवाब नहीं दिया तो बोली, कहते थे कि ना हो तो समर से कहो किसी डॉक्टर बैच से ही मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, जो फीस लगेगी दे दे। मैं समझा नहीं, पूछा क्यों, मुझे क्या हुआ है? तो भाभी मुंह में आंचल भरकर हंसती रही और मैं क्रोध से भन्ना उठा, भन्ना इस गुस्सा उठा, ठीक है। माने भाभी उसको बोल रही है, क्या बोल रही है कि एक दिन सुना है कि पिताजी अम्मा जी को बोल रहे हैं कि हो सकता है जो बेटा है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो किसी डॉक्टर के पास चला जाए। समझ रहे हो, इज इट गेटिंग क्लियर? क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं, या शुड आई एक्सप्लेन? गाइस एनीथिंग? मैम वो चुप रहता था मेंटल जी, कुछ नहीं मैम, क्लियर है, क्लियर क्लियर है मैम। सिंग मेंटल, और कौन क्या बोल रहा है एक बार बताओ, आई विल एक्सप्लेन, मुझे ऐसा कोई शर्म नहीं है, आप लोग अपना बताओ। मैम नहीं मैम, आगे बढ़िए ना प्लीज, इग्नोर इट, ऐसे शार को समझ आ गया, कोई बताओ एनीवन? मैम निकल जाएंगे घर तक, मेरी बात कर सकती हूँ बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, मेरे को कुछ वैसा नहीं है बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक। यस मैम सेम हियर, दैट इज द रीजन, नथिंग एल्स, इसमें कुछ नहीं है। मैम चैट में लिख दीजिए मैम। ओके ओके, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है वाइफ और एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑन की हो क्या, ऑन है ना शायद? ओके यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हो सकता है लड़का और लड़की में जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। लॉजिक समझ रहे हो कि यहाँ पे जो एक फिजिकली रिलेशनशिप है तो माँ बाप का तो ध्यान यहीं पे जाएगा ना, मे बी दैट गर्ल इज नॉट सैटिस्फाइड और समथिंग, समझ रहे हो? तो इस कारण बोला जा रहा है कि चेतना प्लीज डोंट लाफ लाइक दिस, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये लाइन इसीलिए आ रहा है कि उसको डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दो, मे बी लड़के में कुछ प्रॉब्लम हो, दैट इज यहाँ का मतलब। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं कि लड़का पागल है, उसको मेंटल में प्रॉब्लम है या वॉट एवर, या वो साइको है, इसका साफ साफ मतलब सिर्फ ये था, नथिंग एल्स, ठीक है, कि भैया दिखा दो। तो इसीलिए देखो भाभी भी हंसने लग गई यहाँ पे, देखो तो उसको समझ नहीं आया, वो भी बोला था तो लिखे, भाभी भी मुंह में आंचल भरकर हंसती रही और मैं क्रोध में भरना उठा। जब समर को पता चला बोलना क्या चाह रहे हैं लोग, तब उसको आ गया गुस्सा, ये चीज है यहाँ। नेक्स्ट, फिर के आगे अद्वायन की रस्सी को जरूरत गैर जरूरत बाबूजी दांत भीज भीज कर कसते रहे और मैं रुपए उठाकर बिना एक क्षण रुके चुपचाप चला गया। माने बाबूजी क्या किए जा रहे, रस्सी को ही खींचे जा रहे, उसी को ठीक किए जा रहे, और लड़का कोई भी रुपया नहीं उठाया और चला गया। नेक्स्ट, छी इन लोगों का दिमाग भी कहां तक जाता है, तो ये समझ गया, जैसे आप लोग को अब शायद समझ आया हो तो ये भी समझ गया, तो बोलते छी इनका दिमाग कहाँ तक जाता है, क्योंकि क्लास 12 का जस्ट लड़का है और क्या। बाबूजी अभी भी बड़बड़ा रहे थे और उनकी आवाज मेरे भीतर के क्रोध को बढ़ा रही है। माने बाबूजी अभी भी ऐसा बढ़ा रहे, माने बक रहे थे पैसे वैसे से रिलेटेड, बट बाबूजी ने अम्मा जी से जो बात कही वो सारा चीज इसके माथे में चल रहा था और इसको गुस्सा आ रहा था कि हाउ कैन, माने पापा या मम्मी ऐसे बोल सकते हैं,
नेक्स्ट, जो ये कहे तो सो करो, माने जो भी पेरेंट्स बोलते हैं वही करो, कहे शादी करो तो शादी कर लो, कहे पहुंचा आओ लिवा आओ तो पहुंचा लिवाओ, माने पहुंचा दो लड़की को, लेने आ जाओ तो सारी चीजें कर लो, जन्म जिंदगी में 25 रुपए मांगे हैं सो यह सब सुनना पड़ा, माने मैं कभी अपने शौक के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ 25 रुपए मांगे वो भी देखो कितना कुछ सुनना पड़ा। एक्सक्यूज मी, वह तो कहो कि दौड़ भाग कर फीस माफ कर ली थी, एक सेकेंड, वह तो कहो कि दौड़ भाग कर फीस माफ कर ली थी, वरना महीने एक महाभारत खड़ा रहता, जब पढ़ा और लिखा ही नहीं सकते ढंग से तो पैदा ही क्यों करते हो। माने फीस माफ करना माने कोई रिक्वेस्ट करना समथिंग कि प्लीज नहीं है थोड़ा दिन डिले कर दो, या फिर इसको आप लोग कंसर्न करो कि हम फीस पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ इसने किया। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब पढ़ा लिखा नहीं सकते तो जन्म क्यों दिए। कभी कभी बच्चे गुस्सा में बोल देते अपने पेरेंट्स को कि भैया जब हमारा हमें पाल ही नहीं सकते तो हमें पैदा क्यों किया, तो ये लाइन यहाँ पे आया। किताब कॉपी के लिए पैसा नहीं मांगता, कपड़े फट रहे हैं, माने बेचारी की आर्थिक स्थिति देखो, ना बुक कॉपी के लिए पैसा मांगता, कपड़े पूरे फटे हुए हैं, पुरानों में ही सिकुड़ सिकुड़कर काम चला रहा हूं, माने पुराने कपड़ों में कैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट करो उसी से काम चला रहा हूं। उनके ही आश्रय सारे जाड़े से लड़ना पड़ा, ठंड है ना, ठंड में तो ऑब्वियसली अपने को अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए ताकि हम लोग थोड़े वार्म रह सके, तो यहाँ पे बोले सारा ठंड जाड़ा है सारा ठंड ऐसे ही निकालना पड़ा। उस पर यह हाल हूँ, हम ढिंगरे और ऊट हो गए हैं, माने हमें क्या बोलते हैं मोटा ताजा गुंडा ये सब बोलने लग गया, हमको ऊट बोल रहे हैं, हमें ढिंगरे वर्ड दिया जा रहा है ऐसे बोल। अरे तुम्हें लगे तो बुलाओ बहू को, ना लगे जिंदगी भर मत बुलाओ, माने अगर आप लोगों को बीवी चाहिए, बीवी बोल रहे बहू चाहिए तो बहू को बुलाओ, नहीं चाहिए तो मत बुलाओ, आई डोंट केयर, मुझसे पूछकर ही सारे काम होते हैं, माने अभी मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे थोड़ी ना आप लोग मुझसे पूछते हो, ऐसे ही तो मेरा कहना मानते हो ना, माने को टॉन्ट कर रहे, ऐसे कौन सा आप लोग मेरी कुछ बात मानते हो जो ये बात मुझसे पूछ रहे हो। शादी करते वक्त सुनी थी मेरी एक बात, उस वक्त तो तुम लड़के हो जी, इस वक्त चुप रहो, ज्यादा जबान लड़ाई तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे ये, अब फोड़ो ना, मैंने अपने होते ना गुस्सा आ जाता एकदम करके तो बोले अब फोड़ लो, पहले तो नहीं फोड़ा, ऐसे करके बोल रहा है। मैं ही रह गया हूँ सारे घर में उसे लेने जाने के लिए, अमर क्यों नहीं जा सकता है, छोटा है छोटा है कहकर उसकी सारी आदतें बिगाड़ ली है, हमें क्या है भुगतना खुद आगे जाकर, हाँ मैं भी दिखा दूंगा कि जिंदगी भर बोलता हूँ भी या नहीं हूँ या नहीं, यह तो मेरे हाथ की बात है, बोलने को मजबूर तो नहीं कर सकते, शादी थोड़े ही है कि जबरदस्ती से काम हो जाएगा, अरे ये तो अपना मन है, नहीं बोलते बिरादरी में बदनामी होती है, हूँ लास्ट में एकदम इरिटेट होकर छोड़ दिया, मतलब वो बोल रहा शादी करवाना था करवा दिए, अब थोड़ी ना मेरा मुंह भी खुलवाओगे, उससे बातें करवाओगे, उसके साथ जो भी चीज है वो सारी चीज आप लोग थोड़ी ना जबरदस्ती कराओगे, ये मेरा मन है जो मैं करना चाहूंगा करूंगा, ये मेरी जिद है, तो ये सारी चीज वो अपने आप को बोल दिया। तो आप लोग देख लो अपना इतना इजीली फिफ्थ वाला हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है पूछो। थोड़ा सा कर सकते हैं ना, सिक्स का एक पेज स्टार्ट एटलीस्ट कम हो जाएगा कल के लिए। बोलो सानिया क्या बोल रही है, इतना फर्क पड़ेगा बेटा, जब तुम बोलता रहता ना तब जरूर पढ़ते हैं, मेरे से पूछो कितना फर्क पड़ेगा। बोलो बाबू सानिया जी। हाँ मैम बोल रहे थे कि मैम लास्ट पैरा में वो जो मतलब फ्रस्ट्रेशन में जो बोल रहा था वो क्या बाबूजी के सामने बोल रहा था या उनके पीछे। ओ रुको एक सेकंड, हम भी खो गए थे, पीछे बोल रहा था, सामने नहीं बोल रहा था, अपने मन में बोल रहा था, अपना बिहेवियर था, वो किसी के सामने वैसे भी नहीं बोलता। अच्छा मैम, मैम ऐसा बोल सकते क्या, समर एक स्वाभिमानी इंसान है, बहुत स्वाभिमानी, वो सिली ब्रैट, नथिंग एल्स, मतलब अगर ऐसे बोलो तो। एक सेकंड, हाँ